कल एक लड़के ने मुझे अंकल बोला था, उसी कमरे में सोया हुआ था, लेकिन बच्चे ने बोला चलो, मैं बोला मैं नहीं आऊँगा, फिर उनको बाय बाय बोला और मैं उसी गम में वापस सो गया। लेकिन बच्चों की याद मुझे सताने लगी तो मैं फटाफट मेरे ससुराल आ गया तो वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर देखा तो पूरा मोहल्ल सजा हुआ था, ढोल नगारे ताशे सभी बज रहे थे। मैं खोजने लगा कि मेरा बच्चे कहाँ है, लेकिन गली पूरी पैक थी तो मैं अंदर जा नहीं पाया। और इसका बचपना देख के मुझे मेरे बचपन की याद आ गई। मैंने मेरे बच्चों को ढूंढने की कोशिश की, यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ, तब जाके मुझे मिला वो यहाँ, ये रहा, मिल गया मुझे जिदान। अभी भी मुझे जरीन की खोज थी, जिदान ने मुझे छुपाया और उसके बाद मुझे जरीन मिल गई यहाँ पर, तब जाके चैन पर चैन आया। तो जिदान जा चुका था संदल के साथ, मैं आ गया हूँ दरगाह के पास और फिर दूर से देखा तो वो मुझे दिखा वहाँ, इतने दूर दिख गया वो मेरे। तो अब सब लोग आ चुके हैं दरगाह के पास पूरी जोर और शोर से, और आखिरकार जिदान में मुझे दिख गया और यहाँ पे सभी लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। और फिर दरगाह में सभी लोग चादर फूल और सिन्नी अंदर जा रही थी और सिन्नी का नाम सुनकर ही ये यहाँ पर आकर खड़ी हो गई। दरगाह के अंदर भी माहौल बना हुआ था, सब ढोल नगाड़े ताशे वहाँ पर बजा रहे थे और बाहर इन लोग ने लाइन लगा रखी थी कि सबको मिठाई मिल जाए, लेकिन मिठाई के नाम पर सब धक्कम धक्की की और ये दो चिटरकॉक सबसे पहले आगे आकर खड़े हो गए कि इनको ही मिलेगी मिठाई पहले। तो यहाँ पे सभी को बाटी है सिन्नी, सब बच्चे अपने अपने सिन्नी लेके घर पे जा रहे हैं, लेकिन सिन्नी का फायदा उठाया तो मैंने भी ले ली और मैं भी निकल चला घर पे। और घर पर आते ही सासू माँ ने दी गरम गरम चाय, आज का दिन खत्म, गुड बाय।